हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो 10 से 12 मिनट में पीरियोडिक टेबल को किस तरह से आप सीख जाते हो, कैसे आपको याद हो जाता है, और ये ट्रिक के सहारे मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल सीखना, पीरियोडिक टेबल जानना कितना आसान है, उसे याद रखना कितना आसान है। चलो चलते हैं पीरियोडिक टेबल के सफ़र पर। तो बेटे, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक इंटरनेट पर जितने भी लोगों ने शायद डाल रखा है, उसमें पूरे के पूरे 118 एलिमेंट के बारे में किसी ने पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। आज मैं जो आपको बताऊंगा, इसमें पूरा 118 एलिमेंट्स सब कुछ आ जाएगा जो आज तक इन्वेंटेड है, एक भी नहीं बचेगा, और सबको ट्रिक के सहारे आप सीख पाओगे। चलो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मैंने उसको याद किया है, किस तरह से लर्न किया है, और आप भी कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पहला ग्रुप जो हमारा है, फर्स्ट ए या फर्स्ट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये तो आपको याद रखना होगा, एक पूरा सेट है ना। तो इसमें याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें 2 ऐड करने पर ये हो गया 3, 8 ऐड करने पर 11, फिर आपने इसमें 8 ऐड किया 19, फिर इसमें 18 ऐड किया 37, फिर 18 ऐड किया 55, और फिर 32 ऐड किया 87। इस तरह से आप चाहो तो बिना याद किए ये एटॉमिक नंबर भी याद किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। मैंने जब याद किया था तो इतना जरूर याद किया था, ये लाइन जरूर मैंने याद किया था, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इतना तक कंटिन्यूअस मुझे याद है, और आपको भी याद करना होगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। उसके बाद ट्रिक, और ट्रिक के सहारे सारे को रट जाओ। रटने से फायदा क्या होगा, लेकिन ये और ये लाइन आपको याद होना चाहिए यहां तक। उसके बाद तो आप लिखते चले जाओगे, आप पूरा का पूरा टेबल आप लिख जाओगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा, आप देख रहे हो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ये एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1-2-2। इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल। बेटा, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कहां से कहां तक, लिथियम टू फ्रांसियम, और ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा, मैग्नीशियम से लेकर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। बहुत सारे ऑथर बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल कंसिडर नहीं करते हैं, और ये सच्चाई है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम नहीं आता। अल्कली मेटल में हाइड्रोजन नहीं आता, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक और बात, इसमें रेडियम और फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब बेटे, ये एस ब्लॉक फर्स्ट ए सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड। अब आ जाओ इधर, इधर से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, ये ग्रुप 8, ये फर्स्ट बी, ये सेकेंड बी, ये थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, एंड जीरो ग्रुप। आप देखो 1-18, एक ग्रुप लिखने का तरीका ये है 1-18, और दूसरा फर्स्ट ग्रुप से लेकर सेवेंथ ग्रुप, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइडेड है, और एक ग्रुप 8 है जिसमें
तीन कॉलम्स हैं ट्रायड के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, आयरन कोबाल्ट निकल रुथेनियम रोडियम पैलेडियम ओस्मियम इराडियम प्लैटिनम HSMTDS। तो इस तरह से ये ट्रायड के रूप में ग्रुप एट है, क्योंकि इस ट्रायड के प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, इसलिए मोसले ने इसको ट्रायड के फॉर्म में लिखा था, जिसे बाद में ग्रुप नंबर 8, 9, 10 कर दिया गया। बेटे अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इसे लिख लिया, आपने इसे लिख लिया, यहाँ तक, अब कैसे आप इसको पूरा करोगे? तो इसका ट्रिक क्या है, राइम्स की तरह कुछ चीजों को बना लो और बोलो। जैसे आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए और फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ए और फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं हम? देखो इसे HY हाइड्रोजन, हाइलीना क्या रूबीना सिरफिरा भाग्य, हाइलीना क्या रूबीना रूबीना सिरफिरा सिरफिरा भाग्य। बेटा भाग्य मैंने ऐड कर दिया ऐसे ही, हाइलीना क्या रूबीना सिरफिरा भाग्य। बेटा ये हो गया आपका फर्स्ट ए या फर्स्ट ग्रुप। अब रही बात सेकंड की, सेकंड को क्या कहोगे? बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम। बेटा मांगे कैट सुंदर बाप राजी, सेकंड ए, सेकंड ए और सेकंड ग्रुप। बेटा मांगे मांगे कैट सुंदर, कैट सुंदर बाप राजी। जी हाँ, इस तरह से इसे आप याद कर लो। बेटा ये फर्स्ट ए और फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ए और सेकेंड ग्रुप, ध्यान से देखना। इसके बाद क्या है, थर्ड क्या है? एस्कैंडियम येट्रियम लैंथेनम एंड एक्टिनियम, इसको कैसे याद करोगे? थर्ड बी, थर्ड बी और थर्ड ग्रुप, शिला या लाली, शिला या लाली, आखिर क्या, आखिर क्या? बेटा हमने क्या ऐसे ही डाल दिया एक वर्ड एससी शिला वाई या एले लाली एसी आखिर क्या? ये रहा आपका थर्ड बी। बेटा इस तरह से आप थर्ड बी को याद कर लिया आपने। फिर देखो इसके बाद क्या है, थर्ड बी के बाद याद करते जाओ, देखते जाओ, लिखते जाओ। इसके बाद बेटा फोर्थ बी, फोर्थ बी को कैसे याद करोगे? फोर्थ बी, फोर्थ बी और फोर्थ ग्रुप, तीखा टिटानियम जर्दा, तीखा जर्दा, ये पान के लोग खाते हैं, तीखा जर्दा हाफ राफ, तीखा जर्दा हाफ राफ। बेटा ये हो गया फोर्थ बी। उसके बाद ध्यान से देखना, फोर्थ बी के बाद तीखा जर्दा हाफ राफ, फोर्थ बी के बाद बेटा ये वैनेडियम नियोबियम टेंटलम एंड डीबी, वीरू वीरेंद्र सहवाग, वीरू नाबाद, नाबाद वीरू नाबाद मतलब नॉट आउट, था धनबाद में, धनबाद एक शहर का नाम है, धनबाद में वीरू नाबाद था धनबाद में। बेटा
105 आप याद रखो साथ में, इसके साथ 104 याद रखो। तो वीरू नाबाद था धनबाद में, ये फिफ्थ बी हो गया, फिफ्थ बी ग्रुप हो गया बेटा, इसके इसको फिफ्थ बी और फिफ्थ ग्रुप कहते हैं। तो वीरू नाबाद था धनबाद में बेटा, ये हो गया। इसके बाद आप इस पर आ जाओ, सिक्स्थ बी पर आ जाओ। सिक्स्थ बी क्या कहता है देखो, सी आर एम ओ डब्ल्यू एस जी, क्या लिखा हुआ है, सी आर एम ओ डब्ल्यू एस जी, कार मोबाइल, कार मोबाइल वाइट, वाइट सर्जी बेटा, कार मोबाइल वाइट सर्जी, सी आर मॉलिब्डेनम एम ओ डब्ल्यू टंगस्टन एस जी। तो कार मोबाइल वाइट सर्जी बेटा, ये हो गया आपका याद, सिक्स्थ बी, और इसे सिक्स्थ ग्रुप कहते हो। इसके बाद आ जाओ जरा इसे देखो, एम एन टी सी आर ई बी एच, एम एन टी सी आर ई बी एच, मुन्नी, मुन्नी टकराई, टकराई रेलिंग से, रेलिंग से, रेलिंग से। अब बेटा लास्ट में बी एच है, भोपाल में, भोपाल में, जी हां, मुन्नी टकराई रेलिंग से भोपाल में, 107 नंबर खंभे से, 107 नंबर खंभे से भोपाल में, 107 नंबर खंभे से बेटा। इसके बाद, इसके बाद ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 8 मतलब 8, 9, 10, इसे हम लोग ट्रायड के रूप में याद रखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, तीन एक साथ, तीन एक साथ, तीन एक साथ, तीन एक साथ। पहला ट्रायड, इसको आप लिखोगे फेकोनी, फेकोनी, जी हाँ, आयरन कोबाल्ट निकल फेकोनी। उसके बाद क्या है, रूथेनियम रोडियम पैलेडियम, बेटा इसको कैसे लिखोगे, रूथेनियम रोडियम पैलेडियम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। इसको कैसे याद रखोगे, इसको रुका रोड पे डॉगी, रुका रोड पे डॉगी, रुका रोड पे, रोड पे डॉगी, रुका रोड पे, रोड पे डॉगी, रूथेनियम रोडियम पैलेडियम बेटा। इसके बाद नंबर आता है आपका, रुका रोड पे डॉगी के बाद क्या नंबर है, ओस्मियम इराडियम प्लैटिनम, ओस्मियम इराडियम प्लैटिनम बेटा। इसको कैसे लिखोगे, ओ, अचानक किसी को इरफान पठान रोड पर चलता हुआ नजर आ गया, वो चौक के बोलता है, ओ यस यस इरफान पठान, इरफान पठान, अचानक उससे निकला, ओ यस इरफान पठान बेटा। ये रहा आपका थर्ड ट्रायड, और थर्ड ट्रायड के बाद आपका है एस सी एम टी डी एस, एच सी एम टी डी एस बेटा। एच सी को हायर सेकेंडरी कह लो, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एस सी को बेटे। इसके बाद एम टी को कह लो मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन बेटा। पहले के जमाने में लोग मैट्रिक पास होते थे बहुत सारे लोग, और समझते थे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो एलेवेंथ को कहा जाता है, हायर सेकेंडरी ट्वेल्थ को कहा जाता था, या एलेवेंथ को भी कहीं कहीं कहा जाता था। और उसके बाद डीएस के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस
डॉक्टर ऑफ साइंस बेटा, हायर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन डॉक्टर ऑफ साइंस एच एस एम टी डी एस 108, 109, 110, ये रहा आपका ट्रायड के रूप में, इसको रटो, बड़ी आसानी से रट पाओगे। अब देखो बेटे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है मजेदार बात, बहुत ही आसानी से रट सकते हो, बहुत ही आसानी से जान सकते हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितना आसान हो जाएगा पीरियोडिक टेबल रटना, ये देखो फर्स्ट बी जिसे हम 11th ग्रुप भी कहते हैं, बेटा क्यों आज अगस्त है आप ब्रैकेट में मान लो ऐसे ही बोल दिया, क्यों आज अगस्त है रघु जी ऐसे ही एक नाम ले लिया आर जी, क्यों आज अगस्त है रघु जी, तो 111 रुपए का चंदा दे आइए, 111 रुपए का चंदा दे आइए। एटॉमिक नंबर बीच बीच में आप बोलते जाओ, जिसके चलते होगा क्या कि लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा फर्स्ट भी हो गया, अब देखो आप सेकेंड बी की बात करो, सेकेंड बी और इसको हम 12th भी कहते हैं ग्रुप नंबर झंझट। देखो जिंक कैडमियम मरकरी एनसीएन झंझट कैद झंझट कैद है जी। आगे कन्फर्म्ड बात आगे आपने लिखा कन्फर्म्ड बात, झंझट कैद है जी कन्फर्म्ड बात सीएन जेडन कैडमियम मरकरी एचजी सीएन झंझट जेडन सीडी कैद एचजी है जी कन्फर्म्ड सीएन बात। इसके बाद बेटे आप आ जाओ थर्ड ए में ध्यान रखे, थर्ड ए क्या है बोरा, देखो बोरन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम एंड एनएच बोरा भर आलू गया इंडियन थैले में बोरा भर आलू गया इंडियन थैले में NH 113 पर नेशनल हाईवे 113 पर NH 113 पर बोरा भर आलू गया इंडियन थैले में नेशनल हाईवे 113 पर, ये थर्ड ए है बेटा। थर्ड ए को 13th ग्रुप भी कहते हैं। बोरा भर आलू गया इंडियन थैले में नेशनल हाईवे 113 पे बेटा। इसके बाद फोर्थ ए काशी शिव गणेश संग पार्वती काशी शिव गणेश संग पार्वती फ्लैट नंबर 114 पर मिलेंगे, 114 पे मिलेंगे बेटा, मिलेंगे काशी शिव
काशी शिव गणेश संघ पार्वती फ्लैट नंबर 114 एफएल 114 पे मिलेंगे मिलेंगे बेटा। ये हो गया आपको कितना नंबर, फोर्थ ए, जिसको 14th ग्रुप भी कहते हैं, फोर्थ ए और 14th ग्रुप भी कहते हैं। काशी शिव गणेश संघ पार्वती फ्लैट नंबर 114 पर मिलेंगे। इसके बाद बेटा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ एंड एमसी ना पापा आंसू सब बीमारी का जड़ है। ऐसे ही ले लिया हमने। और छोड़ो इन बातों को, मिलते हैं मैकडी टेबल नंबर 115 पर, मिलते हैं मैकडी टेबल नंबर 115 पर। यहाँ पर मिलते हैं मैकडी टेबल नंबर 115 पर मैकडी मिलते हैं मैकडी टेबल नंबर 115 पे बेटा। ना पापा एस आंसू सब बीमारी का जड़ है, एमसी 115। मिलते हैं मैकडी टेबल नंबर 115 पर बेटा। ये रहा आपका कितना नंबर, ये रहा फिफ्थ ए और 15 नंबर ग्रुप, फिफ्थ ए और 15 नंबर ग्रुप। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलीनियम पोलोनियम एंड एलवी। तो वीरेंद्र सहवाग पर मैंने इसे बनाया है। वीरेंद्र सहवाग बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं और इंडिया के लिए उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की है, 300 रनों तक बनाया है। बट एक बार वो जैसे ही ट्रिपल सेंचुरी मार के मैदान में बाहर की ओर जब आए तो लड़कियों ने घेर लिया और अचानक उनका टोपी गिर गया और चांद दिख गया, ऐसे चांद मेरा भी है। तो उसके मुंह से क्या निकला, ओ यस सहवाग तेरा पोल खुल गया लिवरपूल के मैच में। ओ यस सहवाग तेरा पोल खुल गया लिवरपूल के मैच में, लिवरपूल के मैच में बेटा। सहवाग के लिए किसी लड़की का अचानक निकला हुआ शब्द, ओ यस सहवाग तेरा पोल खुल गया लिवरपूल के मैच में, ओ यस एस एस ई टी पी ओ एल वी, ओ यस सहवाग एसी के लिए तेरा टी पोल पी ओ खुल गया लिवरपूल, एलवी के लिए लिवरपूल के मैच में बेटा। इस तरह से ये रहा आपका सिक्स्थ ए और 16th ग्रुप। अब ये देखो सेवेंथ ए ग्रुप के लिए क्या ट्रिक है।
सेवेंथ ए ग्रुप के लिए क्या ट्रिक है? सेवेंथ ए ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? सेवेंटींथ ग्रुप। आप देखो, फेस क्लियर ब्राउन इंडियन इंडियन एट योर डोर DOOR एट तक ठीक है, योर डोर ऐसे ही ऐड किया। टेस्ट नंबर 117 बीच में एटॉमिक नंबर डालते रहो, जिससे कि पता चले कि हम कहां पर हैं। तो FCLBRI फेस क्लियर ब्राउन इंडियन आई एट 80 एट योर डोर टेस्ट TS के लिए हमने टेस्ट वर्ड यूज किया है TS। बेटा इस तरह से आपने सेवेंथ ए या सेवेंटींथ ग्रुप को याद किया। अब लास्ट ग्रुप है जीरो ग्रुप, जिसको 18th ग्रुप भी कहते हैं। जरा इसे देखा जाए कि इसे कैसे याद रखेंगे। तो बेटा HENEARKERGENNROG है ना, हीरा नीला आखिरकार एक्स फैक्टर, जेनन के लिए एक्स फैक्टर आरएन रंग लाया और पंजाब वाला दोस्त ने कहा ओजी हीरा नीला आखिरकार एक्स फैक्टर रंग लाया ओजी। 118 नंबर टेबल पर चलते हैं, मौज करते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने सीख लिया, रट लिया, याद हो गया। बेटे अगर ये आपको लगे कि हाँ अच्छा है तो आप शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी लिखो। अब बेटे ध्यान से देखना, आप मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो रेड से हमारा है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS02 to N-1 D0 to 10। बेटा एक्सेप्शनल केस में इसमें जीरो भी आ जाता है। आप जब पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखोगे डी ब्लॉक में तो आप देखोगे कहीं पर जीरो भी आपको मिलेगा। बहुत सारे बुक ने 1 to 2 लिख रखा है, लेकिन सही बात यह है कि ये 0 to 2 होना चाहिए। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP 1 to 6 और ये है बेटा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहां से आया? मेंडलीफ ने यहीं पर पूरे को रखा था, लैंथेनम के जगह पर सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक मेंडलीफ ने रखा था, जिसको मोसले ने अलग जगह दिया। इसको 4F सीरीज कहते हैं और लैंथेनाइट्स कहते हैं। बेटा एक्टिनियम के जगह पर मेंडलीफ ने सबको एक ही जगह पर रख छोड़ा था, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम 103 तक। जी हां, ये लैंथेनम के पोजीशन पर रख रखा था इसको और एक्टिनियम को के पोजीशन पर रख रखा था इसको, इसके लिए अलग जगह दिया गया। ये 4F सीरीज है, लैंथेनाइड्स है। ये 5F सीरीज है, एक्टिनाइड्स है। बेटा इसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D0 to 1 और N-2 F1 to 14। ये जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन एफ ग्रुप का है।
बेटा इसमें 14 एलिमेंट्स, इसमें भी 14 एलिमेंट्स, और इसके बारे में और डिटेल में ए ब्लॉक के डिस्कशन में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल पूरा हुआ। एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, पी ब्लॉक को भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वह ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन ग्रुप को रिप्रेजेंट करे तो उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो आज के सफर में इतना ही। मैं समझता हूं पीरियोडिक टेबल आपने याद कर लिया होगा, और इसे बार बार देखो और याद करो, निश्चित रूप से पीरियोडिक टेबल आप याद कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पीरियोडिक टेबल।